अरे मोदी जी, मंडी में सबसे ज्यादा आलू आप ही लायो, लगता है आलू की अच्छी पैदावार हुई है आपकी। हाँ योगी जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हारी बात से सहमत हूँ मैं। आलू का ढेर देखकर अंदाजा लगा ही सकती हो कितना आलू पैदा हुआ है इस बार मेरे खेत में। लेकिन आलू तो ज्यादा पैदा हुआ है, बिक तो सस्ता गया। मंडी में नीतीश कुमार जी ने बड़ा सस्ता आलू खरीद लिया मेरा। अरे मोदी जी, बेफालतू की बात करते हो, दूसरों से मैंने 1 रुपया महंगा आलू खरीदा है आपका। मंडी में आलू का रेट 10 रुपए किलो है, मैंने तुम्हारा आलू 11 रुपए किलो खरीदा है। चलो अब जिस रेट में भी बिका बिक तो गया मेरा आलू। बस लालू जी और राहुल अब तोल सही कर देना मेरे आलू की, सही तरीके से तोलना मेरे आलू को। अरे मोदी जी, आपको क्या लगता है आपका आलू ज्यादा तोल देंगे हम? यहाँ आकर देख लो, कांटे पर 50 किलो का बोरा तोल रहा है आपके आलू का। अरे राहुल, मैं भी तो कुछ और थोड़ी कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि मेरे आलू को सही तोल देना। केजरीवाल, ये क्या कर रहे हो तुम? मोटे मोटे आलू तोलने के लिए ले जा रहे हो, और ये छोटे छोटे आलू का मैं क्या करूंगा? क्या घर वापस ले जाऊंगा? सब एक तरफ से उठाओ आलू को। देखो मोदी जी, हम मोटे आलू उठाएं या छोटे आलू उठाएं, आप आराम से जहां खड़े हो वहीं पर खड़े रहो। यहां पर आपका एक भी आलू नहीं बचेगा, सारे के सारे आलू तुल जाएंगे। कोई आलू छोड़ दे हम तो कहना। अरे मोदी जी, कौन सी उर्वरक का इस्तेमाल किया था आपने? कौन सी खाद लगाई थी जो इतना बड़ा बड़ा आलू पैदा हुआ है आपके खेत में? अखिलेश, तुम क्या करोगे? तुम आराम से आलू तोलो, तुम्हारा आलू तोलने का काम है। ये आलू कैसे पैदा किया है मैंने, इस चक्कर में मत पड़ो। अरे मोदी जी, चक्कर में क्यों ना पड़ूं? 2 बीघे का खेत का टुकड़ा मेरा भी है, मैं भी आलू की फसल अगले साल उगाऊंगा। बताओ कौन सी खाद लगाई थी आपने इस आलू में? चलो अखिलेश, उर्वरक का नाम बता दूंगा, पर्चे पे लिख के दे दूंगा। पहले ये आलू तो तोलो जल्दी से जल्दी, मुझे घर भी जाना है, मंडी में सुबह का आया हुआ हूँ मैं। लालू जी, आप बहुत हल्के काम करती हूँ। अरे मोदी जी, कहाँ हल्के काम करते हैं, आपका आलू ही इतना पैदा हुआ है आपके खेत में कि सुबह से शाम हो गई, तोलते तोलते तुलने में ही नहीं आ रहा है, बहुत आलू है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बा मोदी जी, क्या बात है आपकी बूंदी की, आपकी ये मीठी मीठी बूंदी खाकर मजा आ जाता है। क्या बताऊं, दिन भर की कमाई का आधा पैसा तो तुम्हारी मिठाई की दुकान पर ही खर्च हो जाता है। राहुल, जब खाने के तुम इतना ज्यादा शौकीन हो तो पैसा तो खर्च होगा ही। देखो, भले ही मेरी मिठाई की दुकान है, मैंने तुमसे कह रखा है ज्यादा मिठाई मत खाया करो, इतनी मिठाई क्यों खाती हो तुम? अरे मोदी जी, आप पहले इंसान हो जिसकी खुद की मिठाई की दुकान है और मिठाई खाने को मना कर रहा है वो। अरे राहुल, मैं खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ थोड़ी कम मिठाई खाया करो, पैसे कुछ बचाकर भी रखा करो। तुम दिन भर में 200 रुपए कमाते हो और 150 रुपए की मिठाई मेरी दुकान से खा जाती हो। मुझे मिठाई देने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम मिठाई खाया करो। मोदी जी, इस राहुल से ही बातें करते रहोगे, हमारी तरफ नहीं देखोगे कितनी देर से बैठे पड़े? अरे 250 ग्राम जरा रसीली रसीली जलेबी देना, और जलेबी के साथ दही भी दे देना 100 ग्राम। लालू जी, आप थोड़ा लेट हो गए, दही तो खत्म हो गया, जलेबी जलेबी है, ले लो जलेबी जलेबी। अरे मोदी जी, आपके मिष्ठान भंडार के दूर दूर तक चर्चे हैं, और आप कह रहे हो कि दही खत्म हो गया, ये कोई बात है? आपकी दुकान पर कम से कम इतना सामान होना चाहिए, खत्म ना होना चाहिए। अब मैं बिना दही के जलेबी कैसे खाऊंगा? मैं तो बिना दही के जलेबी खाता ही नहीं हूँ। अरे लालू जी, क्या बताऊँ, कल अखिलेश दूध कम देकर गया, जिसकी वजह से दही कम बना, नहीं तो मेरी दुकान पर कभी दही खत्म नहीं होता है, आपने देखा होगा। और योगी जी, ये कौन सी ड्रेस में आ गए, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मोदी जी, थोड़ा सा ये ड्रेस पहनने का आज मन किया तो पहन लिया मैंने। मैंने सोचा यही ड्रेस पहनकर आज मैं गांव में निकलता हूँ। बोलो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, कोई चीज खाना है? 2 रसीले रसीले गुलाब जामुन निकाल दो, बड़े बड़े देख कर निकालना, जो सबसे बड़े हों। कल मोदी जी आपने छोटे छोटे गुलाब जामुन दिए थे मुझे, बड़े से देख कर देना, काफी दूर से मैं आपकी मिष्ठान भंडार पर मिठाई खाने के लिए आता हूँ। लो योगी जी, बड़े गुलाब जामुन दे देता हूँ मैं तुम्हें, तुम लगातार मेरी दुकान पर ही मिठाई खाने के लिए आते हो, इतनी बात तो तुम्हारी मानना ही पड़ेगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।